दर्शन करके मेरा सौभाग्य था। मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी, और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूं अपने दो लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने और यहां बुद्धिजीवियों से बात किया। तो हमारी जीत आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है, फिर भी ढिलाई कोई नहीं। ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें एनडीए को लार्जेस्ट नंबर पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन 400 का आंकड़ा नहीं पा रहा। 77 सीटें यूपी में दिखाई जा रही हो मेगा ओपिनियन पोल में। सर्वे होता है ना, अभी वेट करिए ना, सर्वे और एक्चुअल में तो अंतर होता है ना। कहा गया था सर्वे में कि क्या कि आप छत्तीसगढ़ हारिएगा, मध्य प्रदेश निकल पाएगा नहीं। मैंने कहा था जीतेंगे, जीत गए ना। तो एक होता है सर्वे, सर्वे वालों का सम्मान, एक होता है एक्चुअल। हर घर में हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है, रिजल्ट देखिए। अच्छा, यूपी में 80 पूरी लगातार। मैंने सीए पर विस्तार से कल ही यहीं पर तो बाइट दिया है, दिल्ली में भी दिया था। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम लोग इसको लागू नहीं। सीए किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता छीनता है, नागरिकता देता है। ये शुद्ध और शुद्ध रूप से वैसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित रहे हैं, उनको यहां स्थान देता है। जो वर्षों से यहां पड़े हुए हैं, नागरिक नहीं है। और ये कभी नहीं भूला जाए कि ये तीनों देश इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। एक मिनट, और प्रताड़ित होकर लोग आते हैं, आज भी वहां चर्च जलते हैं, वहां हिंदू मंदिर जलते हैं, ये ठीक तो नहीं है ना। तो जो अपने जान को बचाने के लिए आए हैं, तो हमारा फर्ज है, भारत की संस्कृति है। और ये कौन लोग हैं ममता जी लोग, जो रोहिंग्यास को अपने यहां बसाते हैं, कहते हैं उनको रिफ्यूजी मानो, और जो कई वर्षों से यहां पड़े हुए हैं उनको नहीं दें। ये ठीक नहीं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। धन्यवाद। सर, खड़गे जी ने एक बयान दिया है कि इलेक्टोरियल बॉन्ड की वजह से जो खाता सर्ज हो गया है, हमारे पास अब चुनाव लड़ने के पैसा नहीं बचा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी जो चिंता है, पुनी से बात करिए, मुझे क्यों कह रहे हैं। दिक्कत है कि उनकी जब राजनीति के जमीन पर साख नहीं बचती है तो चंदा नहीं मिलता होगा, पहले तो बहुत मिलता था। धन्यवाद।